राधे राधे, जय शंकर बाबा। लोग नए दिन नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई आरडीआर राज के ब्लॉग की शुरुआत यार सुबह 6 बजे कर रहा हूँ। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले उठा, फ्रेश वगैरह होके अभी किचन में हो यार, चाय बना रहा हूँ सभी के लिए। सारे लोग अभी सो रहे हैं तो सरप्राइज देते हैं उनको, चाय पिलाते हैं अपने हाथों से सुबह सुबह। राधे राधे मम्मी। तो मैंने सोचा था मैं सरप्राइज दूंगा, बट मम्मी भी उठ गए हैं तो नीतू को सरप्राइज रहा पापा, तो पियेंगे नहीं ये दूध वाली चाय क्योंकि उनको पेट में प्रॉब्लम हो जाती है। बचे थे सिर्फ मम्मी और नीतू थे, इनके लिए सरप्राइज कर रहा था रेडी, बट मम्मी तो उठ गए, अब नीतू को देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मम्मी, ठीक है ठीक है। मेरे से लेट उठे आज, जल्दी उठने की आदत डालो। हाँ वो भी है, ठीक है ठीक है। रेस्ट पे हो आप, कुछ दिन रेस्ट ही करो, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, लगा दो मम्मी, ठीक है। तो अभी मम्मी काम भी दे गए हैं, वहाँ पे एक हांडी सी भरी हुई है पानी की, उस पानी को उस बाल्टी में शिफ्ट करना है एंड हांडी जो है यहाँ पे रख देनी है क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा पानी बूंद बूंद पानी चल पड़ा है। तो चलो नीतू के लिए लेके जाते हैं यार, इसको भी उठाते हैं कि उठ जा बहन, काफ़ी टाइम हो गया। राधे राधे नीतू, ये ले चाय, उठ जा। देखो आलसी लोगों को, उठते नहीं है ये। कॉलेज जाना तूने आज हैं? ठीक है उठ जा, चाय रख दी है ठंडी में, तो उन्हें देना इसको पी लेना टाइम से। तो ये तो अभी फिंद में है, मज़े ले रही है। चलो एक टाइम पे हम भी ऐसे थे, 10-10 बजे उठना, 9 बजे उठना, 10 बजे उठना, ऐसा टाइम था। बट आज के टाइम में आपका भाई टोटली चेंज हो गया हुआ। फिलहाल छोड़ो बातों को, चाय पीते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। वगैरह तो पी ली यार, अभी ना खुद के लिए पानी गर्म करते हैं। और यार दीदी अपने जा रहे हैं अपने घर को, क्योंकि ये स्पेशल गीत वगैरह जो थे उसके लिए आए हुए थे, और जो भांजू था अपना उसको देखने आए हुए थे। तो अभी जा रहे हैं अंजन छोड़ने जा रहे हैं इनको, क्योंकि इन छोटे छोटे बच्चों ने यार स्कूल में भी जाना है, जाना है ना। आयुष्मान पुत्र अगली बार कब आएगा? पता नहीं, नहीं पता। बंची का भाई छुट्टियों में आना, ठीक है दीदी रखो दे आना। इसका मन नहीं कर रहा जाने का है, क्यों रो रही है ये? नहीं नहीं वंशिका ऐसे नहीं करते बच्चा, स्कूल स्कूल पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे कैसे पढ़ोगे? जब छुट्टियां पड़ेंगी तब आ जाना तू, मैं तेरे को लेने आऊँगा, ठीक है। इसको देखो यार बेचारी रो रही है, ये कह रहा तेरी दीदी रो रही है, कह रहा देखो कितनी खुश है ये। वंशिका रोते नहीं है, पढ़ाई करनी है। हाँ मैं लेने आऊँगा तुम्हें, रोते नहीं बच्चा रोते नहीं, कोई बात नहीं कैरम खेल लेंगे, ठीक है। रोते नहीं छुट्टियों में आ जाना तू, चलो ठीक है दीदी बाय। आपका भाई अभी फ्रेश वगैरह हो गया, नहा के एकदम से अपना सारा का सारा काम कर लिया। और अभी थोड़ी देर पहले आपके भाई को एक गुड न्यूज़ भी मिली है, अंकू भाई की कॉल आई थी मुझे, मतलब जहाँ पे मैं काम करता हूँ उनकी कॉल आई थी। वो बोल रहे थे कि आज के दिन छुट्टी कर लेना, छुट्टी इन द सेंस कि जो क्लाइंट का मेल आना था अभी तक मेल नहीं आया है, तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया वहाँ से, जब तक वो रिस्पॉन्स नहीं देते तब तक हम काम आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो इस चक्कर में आपके भाई की शायद आज छुट्टी हो जाए, नहीं तो दोपहर के टाइम अगर मेल आएगी 11-12 बजे तक तो आपका भाई जा सकता है दोपहर के टाइम पे। फिलहाल अभी के लिए सुबह सुबह नहीं जाना पड़ेगा मुझे, तो आपका भाई करेगा थोड़े बहुत घर के काम, जैसे कि घास वगैरह काटना होता है शाम के टाइम भी लेके आना है। तो सोच रहा हूँ कि अभी के अभी कर लेता हूँ सारे के सारे काम, शाम के टाइम फ्री होगा सारा का सारा टाइम। हाँ क्या बोल रही है? क्यों क्या करना ऐसे ही क्यों? चप्पल क्यों नहीं डाली तूने? चप्पल डाल, ठंड लग जाएगी तेरे को। टीका टीका लगाना है तेरे को, चल टीका लगाना है, चल 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 चल। चप्पल पहन फिर, नहीं पहननी तो टीका लगेगा पक्का तेरे को, लगा दूँ सच में? चल आ अंदर आ, चल चल टीका लगाना है, चल 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 चल। अच्छा खेल ले खेल ले। देखा बच्चे टीके के नाम से कैसे डरते हैं, घास वगैरह काट लेते हैं। आज वैसे खेत वाली साइड नहीं जाऊंगा, आज आप देख सकते हो घर के आसपास काफी ज्यादा घास बड़ा बड़ा हो गया हुआ है, इसी का करूंगा क्योंकि कल भी मैं एक्स्ट्रा घास लेके आया था, सारा का सारा अभी बचा हुआ है मशीन में, उसको छोटे छोटे पीस नहीं किए हैं, तो ज़्यादा घास नहीं काटना है, थोड़ा सा काटना है तो यहीं पर कर लेंगे सारा का सारा, एक टोकरी निकल जाए बहुत है। चलो यार कर लेते हैं अपना काम।
पर यार घास वगैरह काटने के बाद ना ये थोड़ी सी सोचा कि साफ़ सफाई कर दूं घर के आसपास। देख सकते हो आप, मतलब दूसरी वाली साइड मैंने कर दी है, काफ़ी देर से लगा हुआ हूँ, लगभग 1 घंटा हो गया और टाइम भी अभी 9:30 के करीब करीब हो रहा है। दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर बाद, फ़िलहाल इसको कर लेता हूँ पहले। हाँ ये वाली साइड देखो कितना ज़्यादा कर दी हुआ, ये आसपास सारी की सारी सफाई कर दी है क्योंकि मच्छर भी काफ़ी ज़्यादा हो गया हुआ यार। तो सोचा कि साफ़ सफाई कर देते हैं, नहीं तो बुरी हालत होनी है मच्छर से। मच्छर भी काफ़ी मोटा मोटा, जैसे पाला हो खुद। तो यार हमने देख लिया घर के आसपास सफाई कर रहा हूँ, छुट्टी का पूरा फ़ायदा लिया जा रहा है। अभी खाना खाने के लिए आए यार, बहुत भूख लग पड़ी है, टाइम भी 9 बज रहे हैं, तो खाना वगैरह खाते हैं। एंड जो बचा है अभी उसको बाद में या कल करूँगा या तो शाम को करूँगा, क्योंकि अभी आपका भाई बहुत ज़्यादा थक गया है। खाना वगैरह खा लिया, अभी धूप वगैरह सेकेंगे और अपनी छुट्टी का मज़ा लेंगे, मूवी वावी देख के। मिलते हैं शाम के टाइम पे। आपका भाई कर रहा था रेस्ट। और कायरा को मैंने पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, इसको मैंने बोला था, प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे राधा बनाऊंगा। तो ये सुबह से ना मेरे पीछे लगी हुई है कि मुझे राधा बनाओ, राधा बनाओ, राधा बनाओ। बनना राधा? चलो बनाते हैं तेरे को राधा, दिखाते हैं आपको भी, कायरा को राधा बनाता हूँ मैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कायरा को मैंने राधा रानी बना दिया है। कमेंट में बताना कि मेरी भांजी कैसी लग रही है, देख ही सकते हो आप कुछ इस तरीके से है। कायरा आजा, वो राधे राधे, सभी को दिखा जाके, पूछ कैसी लग रही हूँ। टाइम हो रहा है दोपहर के 2, और यार बड़ी दुख वाली बात है, हमारे घर में आपको पता है यमुना थी गंगा थी, दोनों की दोनों अब नहीं है यार, ये ही रहेगी लाली और शिब्बी, दो ही हैं यार बचे हुए। तो दुख भी लग रहा है यार, जब ये छोटी सी थी, मतलब एक साल या कुछ ऐसे की थी, तब लेके आए थे उसको, और अभी देनी पड़ी किसी को, ऐसे गौदान ही समझ लो, ऐसे ही किया, क्योंकि मम्मी से तो आपको पता है कि काम वगैरह होना नहीं था, तो उस चक्कर में दे दी गए। दूध देने वाली थी, पिछले ब्लॉग्स में बता भी रहा था कि 4-5 महीने बाद इसने जो है बछड़ा वगैरह या कुछ भी देना था तो दूध वगैरह भी हो जाना था, बट अभी चली गई यार, दुख लग रहा है। तो ही थोड़ी डेंजर, तब गुस्सा भी आता था इस पर, बट अभी थोड़ा सा दुख लग रहा है, पता नहीं क्यों। सही बात है ना, हाँ 1 साल की थी जब लेके आए थे इसको, हाँ जब लेके पापा लेके आए थे, और भैंस भी पापा ही लेके आए थे, दोनों के दोनों ही चले गए। अब क्या कर सकते हैं, एक तो फिलहाल मेरा काम भी कम हुआ, बट फिर भी दुख सा लग रहा है थोड़ा सा। बाकी चलो ठीक है, गौदान भी करना चाहिए, बड़ा पुण्य का काम होता है ये भी। तो अभी टाइम 7 बज रहे हैं और आपका भाई एक रैप सॉन्ग कर रहा है तैयार। यार इंस्टाग्राम पे डालूंगा इसको, राधा मैया के ऊपर लिखा हुआ है और थोड़ा कृष्ण भगवान का भी जिक्र किया हुआ मैंने। ये गोविंद कृष्ण दास का जो गाना है राधा रानी लागे, मतलब है तो ये तो पुराना सॉन्ग है, रीमेक ही किया है, बट काफ़ी अच्छा गाया हुआ भाई ने, तो उसके ऊपर रैप डालने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब तो ज़्यादा लंबा रैप नहीं है, बीच में जो म्यूज़िक आता है उसके ऊपर लिखी हुई है 5-7 लाइनें, तो वही गाऊंगा। फिलहाल रिकॉर्डिंग वगैरह कर लेते हैं एंड आपको मैं बता भी देता हूँ कि किस तरीके से हम जुगाड़ू चीज़ें करते हैं और किस तरीके से आप लोग भी मतलब कि एक अच्छी क्वालिटी वाली रिकॉर्डिंग जो है वो घर में कर सकते हो बाया फोन। आपको दिखा देता हूँ अभी, एक जस्ट साउंड रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हो और आप वीडियो की जो रिकॉर्डिंग होती है जैसे वीडियो पे चले गए यहाँ से भी कर सकते हो रिकॉर्ड। बाकी मर्जी आपकी, आप जैसा करना चाहते हो। दो ऑप्शन है, ये फ़ोन का साउंड रिकॉर्डर होता है एक वो, और जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है फ़ोन की उससे भी हो सकती है। वैसे वीडियो रिकॉर्डिंग में ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा शार्प आवाज़ आती है एज़ कम्पेयर टू साउंड रिकॉर्डर। फिलहाल बताता हूँ आपको किस तरीके से जुगाड़ू रिकॉर्डिंग की जाती है। तो यार इसके लिए आपको ना, जैसे कि आपके घर में ब्लैंकेट वगैरह तो होगा, बिल्कुल एक शांत प्लेस ढूंढना है और इस ब्लैंकेट को लगभग अपने ऊपर इस तरीके से ओढ़ कर इसके अंदर जो है रिकॉर्डिंग करनी है। इससे पता क्या फ़ायदा होता है, एक तो इको प्रोड्यूस नहीं होती और दूसरा नॉइस कैंसिलेशन काफ़ी ज़्यादा आ जाती है आपकी वीडियो में, मतलब आपकी ऑडियो थोड़ी थोड़ी प्रोफेशनल तरीके से रिकॉर्ड होती है। अगर आपके पास माइक वगैरह और स्टूडियो का सेटअप पूरा नहीं कंप्लीट है तो भी आप
माइक को ऐसे तरीके से एडजस्ट करके बिल्कुल कंबल वगैरह ओढ़ के या रजाई वगैरह ओढ़ के एक बहुत हार्ड वाली रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो फिलहाल मैं वही चीज़ करने वाला हूँ, आपको भी दिखा दिया कि किस तरीके से करनी है। बस कंबल ओढ़ लेना है, पूरा का पूरा कवर कर लेना है खुद को, और बस साउंड रिकॉर्डर ऑन करके बस रिकॉर्डिंग ही करनी है। आपको मैंने प्रोसेस बता दिया, बाकी का सारा काम जो है वो फ़ोन में भी हो जाता है। मैंने एक पहले की वीडियो बनाई है कि आप फोन से कैसे मिक्स मास्टर कर सकते हो। ऑडियो ड्रॉइड सॉफ्टवेयर है जिसका कि क्रैक्ड वर्जन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां से मिल जाता है, मतलब कि पायरेटेड वर्जन जो भी होते हैं वो डाउनलोड करना पड़ेगा उस सॉफ्टवेयर का, उससे आपकी बहुत हार्ड वाली रिकॉर्डिंग होगी। मिक्स मास्टर भी कर सकते हो उस चीज से, बस आपको ऑडियो और म्यूजिक को सिंक करना होता है। अगर वो चीज आप जान गए तो आपको पता लग जाएगा। आप वो वीडियो देख लेना जिस भाई को ये सीखनी है चीजें, ताकि वो भी खुद से कर सके सारा का सारा काम। यार आपके भाई की रिकॉर्डिंग भी होगी और उसकी मिक्स मास्टर जो मैंने करना था वो भी कर लिया, सारा का सारा काम मेरा फिनिश हो गया। अभी आपका भाई जा रहा है खाना खाने, आप सुन लेना, अगर आपने सुनना होगा वो राधा रानी के ऊपर जो मैंने रैप गाया है 5-7 लाइंस, इंस्टा या यूट्यूब दोनों प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा आपको, मिलेगा रील्स और शॉर्ट्स में, तो आप देख लेना। फिलहाल मम्मी को बोलते हैं खाना वगैरह डाल दो। मम्मी खाना डाल दो, सो क्यों गए आज इतनी जल्दी? तो मैंने बोला तो है आपको, मैंने कहा डाल दो खाना, मैं ले लेता खुद ही, सोना है तो आपको ठीक है। चलो मैं खा लेता हूँ फिर, अब करो रेस्ट। तो आई होप बाबा लोग ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और जो मैंने रैप डाला है राधा रानी लागे सॉन्ग के बीच में, उस गाने को डाल दूंगा इंस्टा और यूट्यूब दोनों पे। की कल ही होगा जब ये व्लॉग अपलोड होगा, उसके बाद ही करूंगा शाम के टाइम। तो इंस्टा आईडी मेरी आरडीआर बाबा के नाम से है, और यूट्यूब पे तो आपको पता है वो भी आरडीआर, हर प्लेटफॉर्म पे मेरा नाम आरडीआर के नाम से है, तो आप मुझे हर प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम। आपको अच्छा लगेगा गाना तो कमेंट जरूर ड्रॉप करें और राधे राधे जरूर लिखें। लव यू ऑल, जय शंकर, बाय, राधे राधे, टेक केयर।